हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ 5 फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स। एंड इनमें से अगर आप एक या दो प्रोजेक्ट्स भी अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो ना, ट्रस्ट मी, आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के एंड आपके जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में जो सबसे मजेदार चीज होने वाली है, 5 प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मैं आपके साथ रिसोर्सेस शेयर करूंगी। लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा एक फ्रंट एंड कोड एडिटर। अब यार, कोड एडिटर क्या होता है? अगर आपने कभी विजुअल स्टूडियो कोड यूज किया हो, इक्लिप्स यूज किया हो, सबलाइम यूज किया हो, तो ये आपके कोड एडिटर्स होते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे कोड लिखते हो, रन करते हो एंड देन आप टर्मिनल में देखते हो कि यार ये चीज आपकी आउटपुट आ रही है। तो इस प्रोजेक्ट में हमें बेसिकली क्या करना है कि कोई एक कोड एडिटर बनाना है। अब आपने ऑनलाइन कई सारे कोड एडिटर्स यूज किए होंगे, जैसे कोडपेन यूज किया होगा, आइडियन यूज किया होगा। सो ये देखो, एक बहुत ही फेमस कोड एडिटर है कोडपेन। अब यहाँ पे मैं एक सैम्पल के लिए लेट से पी टैग यूज करके HTML में दिखाती हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है। जैसे देखो, आपने हाई यूज किया, आप यहाँ नीचे देखोगे कि हाई डिस्प्ले होने लगा है। सिमिलरली लेट से थोड़ा सा CSS भी ऐड कर लेते हैं, जस्ट फॉर दिस डेमो पर्सपेक्टिव कि ये कैसे चल रहा है। ओके, एक मैंने क्लास बना ली है पी, लेट से पी को ही यहाँ पे यूज कर लेते हैं और इसको दे देते हैं हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। ओके, दिखाने के लिए जस्ट मैं थोड़ा बड़ा दे रही हूँ सो दैट आपको दिखे। अब देखो 100px, जैसे ही हमने किया, देखो कितना बड़ा हो गया है। सो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई एम सेइंग कि कोड एडिटर, जैसे जैसे आप यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो, देखो नीचे वहाँ पे लाइव चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हमें देखना है कि क्या हम कोई ऐसा कोड पेन जैसा फ्रंट एंड कोड एडिटर बना सकते हैं। अब यार, ये कोड एडिटर सबसे पहले बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सेकेंड, मैं आपके साथ डायरेक्टली एक रिसोर्स शेयर कर देती हूँ जिसका आप यूज कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो यार, ये एक काफी अच्छा वीडियो है वेब डेव सिंप्लीफाइड का, हाउ टू बिल्ड कोड पेन विथ रिएक्ट। आप इनके टाइम स्टैम्प में आओगे, आप देखोगे इन्होंने काफी सारी चीजें यहाँ पे कवर कर रखी हैं, जैसे कि आपका एडिटर सेटअप बता रखा है, कोड पेन के सारे फंक्शनैलिटीज कवर किए हैं, लोकल स्टोरेज के बारे में बात करी है, ओपन क्लोज बटन के बारे में बात करा है। एंड वीडियो भी काफी शॉर्ट है, एज यू सी 30 मिनट्स के आसपास की वीडियो है। तो इस रिसोर्स का आप हेल्प ले सकते हो इस फ्रंट एंड कोड एडिटर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एंड गाइज, मेक श्योर करना जब आप हेल्प ले रहे हो, प्लीज कॉपी पेस्ट मत करना, वरना आपकी खुद की लर्निंग कुछ नहीं होने वाली है। आप चीजें सीखना एंड देन अपने एंड पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। सो दैट्स इट, अब मूव करते हैं सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ। नो, द सेकंड प्रोजेक्ट इज कि आप कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हो यूट्यूब की तरह। अब यार, जब हम वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं ना, यूट्यूब जैसे, एक बार मैं यूट्यूब पे आपको ले जाती हूँ। आप देखो, पहले तो सबसे पहली चीज आती है आपके होम पेज, जहाँ पे आपके पास कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वीडियोज हैं। अब यार, एक चीज और जो बहुत सही चीज है, देखो आपको ये चीजें फिगर आउट करनी है कि आप क्या क्या फंक्शनैलिटीज बिल्ड कर सकते हो। एक फंक्शनैलिटी जैसे मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ, अगर आप देखोगे कि जैसे ही मैं किसी पर्टिकुलर थंबनेल के ऊपर होवर कर रही हूँ, जो आपका इमेज है वो थोड़ा बाहर की तरफ पॉप आउट होके आ रहा है। एंड आई थिंक ये फीचर आप नेटफ्लिक्स पे काफी ज्यादा देखते हो कि जैसे ही आप कहीं पे भी होवर करते हो, वो काफी एनिमेटेड वे में अंदर बाहर आ रहा होता है। तो यार, ये एक काफी अच्छा फंक्शनैलिटी हो सकता है जब आप यूट्यूब बिल्ड कर रहे हो। होम पेज तो है ही आपका, कि आपके पास होम पेज है, बहुत सारे वीडियोस हैं। देन द नेक्स्ट चीज आप देख सकते हो कि यार, अगर आप किसी भी वीडियो पे क्लिक कर रहे हो तो देन आपके पास आता है कि यार, वीडियोस पे लाइक्स हैं, वीडियो पे कॉमेंट्स हैं, आपके पास डिस्क्रिप्शन वाली चीज है, देन हर वीडियो के करस्पॉन्डिंग कुछ नेक्स्ट कौन सी वीडियो प्ले करनी है, कौन सी वीडियो रिकमेंड करनी है। तो ये सारे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हो सकते हैं जो आप एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब के लिए बिल्ड कर सकते हो। अब यार, मैं दो रिसोर्सेज यहाँ पे अच्छी शेयर कर रही हूँ जिसका आप हेल्प ले सकते हो ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। जो नंबर वन रिसोर्स है आपका, वो ये है, क्लेवर प्रोग्रामर की एक वीडियो है, लेट्स बिल्ड अ यूट्यूब क्लोन। लगभग 3.5 घंटे की वीडियो है। इस वीडियो को आप कंप्लीट करोगे, एंड एक और मैं बता रही हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें बेसिकली सीख रहे होगे। तो सबसे पहले आप ये एक वीडियो रिसोर्स देख सकते हो, एंड सेकेंड नंबर पे आप ये भी एक रिसोर्स देख सकते हो, बैकबेंच कोडर की भी एक वीडियो है फुली फंक्शनल यूट्यूब क्लोन पे। ये वीडियो थोड़ी लंबी है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, 6.5 घंटे की वीडियो है, बट ये भी गाइस बहुत अच्छी वीडियो है अगर आप एंड टू एंड पूरा यूट्यूब बनाना चाह रहे हो। अब यार, जब आप ये प्रोजेक्ट बना रहे होते हो, आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, जैसे आप रिडक्स के बारे में सीखोगे, मटेरियल यूआई के बारे में सीखोगे, फायरबेस के बारे में सीखोगे। ओवरऑल जो आपकी लर्निंग होने वाली है वो काफी अच्छी होने वाली है। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक टर्म भी यूज करा, फायरबेस। तो जब भी हम फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे ना, हम सोचेंगे कि कैसे हम बैक एंड को एज अ सर्विस यूज कर सकते हैं। मींस बेसिकली बैक एंड हमें खुद से ना बनाना पड़े, हम किसी तरह से यूटिलाइज कर सके ऑलरेडी गिवन या प्रोवाइडेड जो भी सर्विसेज होते हैं, एंड फ्रंट एंड है जो हमारा, वहां पर हम मेन फोकस करेंगे। तो यहाँ पे फायरबेस जैसे जो सर्विसेज होते हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं। अब यार, ये तो हो गया कि आप जब इनके प्रोजेक्ट को फॉलो करोगे तो क्या क्या चीजें सीखोगे। द सेकेंड चीज इज, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके फंक्शनैलिटी के ऊपर आप क्या चीजें और बना सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे
पूरा कवर करने के बाद ये बना सकते हो कि हम लाइव वीडियोस कैसे डाल सकते हैं, लाइव चैट्स कैसे हम दिखा सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत पॉपुलर है तो क्या हम शॉर्ट्स को डिफरेंट रिजोल्यूशन में डाल सकते हैं। ठीक है, ये दो तीन डिफरेंट फीचर्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक बार जब आप पूरा प्रोजेक्ट फिनिश कर दे रहे हो तो जस्ट थिंक ऑफ कि ये सारे फीचर्स हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही था दूसरा प्रोजेक्ट, नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड प्रोजेक्ट। अब यार जो हमारा थर्ड प्रोजेक्ट आइडिया है वो है एक इंटरैक्टिव पोर्टफोलियो। अब यार आप ये समझते होंगे कि एज अ डेवलपर अगर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो ना तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है एज कम्पेयर टू अपना रेज्यूमे बनाना। तो सबसे पहले मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स दिखाती हूँ, बहुत ही तगड़े पोर्टफोलियोज हैं, देखो एंड दैट्स द लेवल ऑफ पोर्टफोलियो वी आर टॉकिंग अबाउट जब हम बोल रहे हैं कि यार अब अपना खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड करो। तो यार सबसे पहला जो है ये एक बहुत ही फेमस पोर्टफोलियो है प्रतीक नारंग भैया का। ये आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज में थी उस वक्त से ये काफ़ी पॉपुलर है, तो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। देखो कितना सही है, यहाँ पे इन्होंने होम टाउन बता दिया, कहाँ गए हैं, क्या स्कूल 11th 12th और JEE में क्या रहा है, कॉलेज इन्होंने क्या, मतलब देखो कितने एनिमेटेड वे में ये चीज़ है, एक बार काफ़ी मज़ेदार है। अब देखो ये धीरे धीरे आ रहा है कि इनको पाइथन कितनी आती है, जावास्क्रिप्ट कितनी आती है। अब यार ये देखो ये कितनी सही चीज़ है, अगर आपने ये वाली गेम खेली होगी तो देखो जैसे ही आप इसके पास जाते हो ये दिखाता है कि कौन कौन से स्किल्स हैं बर्स्ट होके आ रहे हैं, कौन कौन से स्किल्स हम जानते हैं। देन ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं डिज़ाइनिंग स्किल भी मुझे पता है, कोरल ड्रॉ एक्सपीरियंस के बारे में अब देखो यहाँ बात करने वाला है, आई मीन डिफरेंट लेवल में उसी चीज़ को ब्रेक कर रखा है। देखो कहाँ कहाँ काम कर रखा है, कब काम कर रखा है, अभी क्या कर रहे हैं। तो यार ये देखो ये काफ़ी मतलब शानदार पोर्टफोलियो है, काफ़ी एनिमेटेड तरीके का पोर्टफोलियो है, जो देखता है ना उसको भी बहुत मज़ा आ जाता है, ओ क्या बनाया है इन्होंने। तो यार ये काफ़ी शानदार एक पोर्टफोलियो है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ तो उसके लिए परेशान मत होना। एक और मैं दिखा रही हूँ, ये बेसिक है, जैसे कि आप शुरू कर सकते हो ऐसे प्रोजेक्ट से बनाना। आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं, थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह यूज़ किया, ये देखो मैं जैसे जैसे कर्सर मूव कर रही हूँ ये कैसे मूव हो रहा है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। अपने बारे में बताया है, देन अपने पोर्टफोलियो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बताया है, वर्क क्या किया है, और मतलब अपने सारे बेसिक डिटेल बेसिकली दे रखे हैं यहाँ पे। कॉन्टैक्ट मी देखो जैसे ही करोगे यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ आपके लिए फॉर्म बन जाता है, आप सेंड करोगे एंड मे बी ये जो कॉन्टैक्ट मी है ये लिंक हो जाता है उनके ईमेल से, तो डायरेक्ट उनको मैसेज आ जाएगा उनके मेल पे। एक और अच्छा रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है 15 वेब डेवलपर पोर्टफोलियोज टू इंस्पायर यू। यार यहाँ पे 15 वेब पोर्टफोलियोज एक्चुअली दे रखे हैं, तो आप चाहो तो इनमें से एक मैंने आपको अभी दिखाया था .ca वाला, आप चाहो तो यार इन देखो एक एक करके इनमें से पोर्टफोलियो क्लिक कर सकते हो, ओपन कर सकते हो एंड देख सकते हो कि इन 15 में से आपको कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड आप किस तरह का पोर्टफोलियो अपने लिए बिल्ड करना चाहते हो। तो ये काफ़ी अच्छा रिसोर्स है 15 वेब डेवलपर पोर्टफोलियो जो आप देख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यार कि पोर्टफोलियो कैसा बनाना है, कहाँ से बनाना है, ये हमने देख लिया, और क्या कोई रिसोर्स है जिसका हेल्प लेके मैं ऐसे पोर्टफोलियोज बना सकता हूँ, तो उस पर भी मैं आती हूँ। दो अच्छे रिसोर्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला एक क्लेवर प्रोग्रामर की वीडियो है, बिल्ड मॉडर्न पोर्टफोलियो। यहाँ पे आप नेक्स्ट जेएस यूज़ कर रहे हो, टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, तो अपने आप में ये काफ़ी अच्छा फ्रंट एंड प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। लाइक जब भी आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने लगते हो ना ओवर जावास्क्रिप्ट, तो दैट्स अ लिटिल साइन ऑफ मेच्योरिटी कि आप चाह रहे हो वो रिजिड चेक्स हों आपके पास, सो दैट आप एंड टू एंड मतलब एक काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट बना रहे हो, ऐसे समझते हैं। ठीक है, अब यार ये आप वीडियो देख सकते हो, ऑलमोस्ट एक घंटे की वीडियो है, काफ़ी सही वीडियो है अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो। सेकेंड एक और वीडियो है फ्रीकोड कैंप की, यार फ्रीकोड कैंप एकदम दिमाग में ऐसे बसा लो, बहुत अच्छा आपका फ्री रिसोर्सेज ये लोग यहाँ पे शेयर करते हैं, इनकी खुद की वेबसाइट भी है एंड आई मीन यूट्यूब पे भी ये काफ़ी शानदार रिसोर्स शेयर करते हैं। तो कभी भी अगर आपको कुछ भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल देखना हो एंड अगर फ्रीकोड कैंप का कोई ट्यूटोरियल दिख रहा है तो डू गिव इट अ चांस, क्योंकि जनरली उनके ट्यूटोरियल जो होते हैं वो काफ़ी सही होते हैं। तो यार उनकी भी एक वीडियो है यहाँ पे, लगभग 1.5 घंटे की है, यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि कैसे आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, वो भी एडवांस एनिमेशन यूज करके। तो यार ये दोनों रिसोर्स मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगी, जाओ जाकर चेकआउट करो एंड हाँ टोटल यही है, आप अपना एक बढ़िया शानदार पोर्टफोलियो बिल्ड करो, मेक श्योर वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करो, एजुकेशन ऐड करो, वर्क आई मीन जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें ऐड करो। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ प्रोजेक्ट। हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट है वो है कि आप किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो लाइक इंस्टाग्राम। तो सबसे पहले समझते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें सीखोगे अगर आप एक ऐसा एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, नंबर वन आप ऑथेंटिकेशन के बारे में बहुत तरीके से सीखने वाले हो। नंबर टू आप ये सीखोगे कि कैसे रियल टाइम डेटा चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हैं अपने 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 एप्लीकेशन में। नंबर थ्री जो मैं आपको रिसोर्सेज शेयर कर रही हूँ उसमें कई जगह आप टेलविंड यूज़ कर रहे हो अपने CSS को डेवलप करने के लिए, तो ये काफ़ी वाइडली यूज इंडस्ट्री मैकेनिज्म है CSS डेवलप करने के लिए, तो ये भी चीज़ आप अभी सीख रहे होगे। ठीक है,
एक बार रिसोर्सेज देख लो एंड देन हम इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो यार दो बहुत शानदार रिसोर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला रिसोर्स है क्लेवर प्रोग्रामर की एक वीडियो, हाउ टू बिल्ड अ इंस्टाग्राम क्लोन रिएक्ट जेएस यूज करके। तो यार ये आपकी लगभग 4 घंटे की वीडियो है एंड इससे भी एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये फ्री कोड कैंप की वीडियो है जहाँ पे आप इंस्टाग्राम बनाना सीख रहे हो यूजिंग रिएक्ट, टेलविंड एंड फायरबेस भी यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यार ये था टोटल कि आप किस रिसोर्सेज से सीख सकते हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कि अगर आप ऐसा कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो ऑन टॉप ऑफ इट जो ये क्लोन दिखा रहे हैं आप और क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हो एंड फीचर्स इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। नंबर वन, आप नोटिफिकेशन बॉक्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर लिंक्डइन पे मैसेज आए तो टिक करके वो बॉक्स आ जाता है कि आई यू हैव रिसीव्ड अ न्यू मैसेज और ये मैसेज, ऐसा करके। नंबर टू, आप सॉकेट के बारे में पढ़ सकते हो कि कैसे आप लाइव चेंजेस अपने एप्लीकेशन में दिखा रहे होगे इंस्टेड ऑफ बार बार रिफ्रेश करना। जैसे कि आप लिंक्डइन इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, कोई मैसेज आता है तो ऑटोमेटिकली आप उस पेज पे और टक से मैसेज आ गया। अब इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे आप एक इंटरैक्टिव कमेंट बॉक्स बना सकते हो कि कमेंट में तो कमेंट बॉक्स में लोग कमेंट कर रहे हैं देन उस पे आप कैसे रिप्लाई कर सकते हो, थ्रेड काइंड ऑफ चीज़ आप बना सकते हो। तो ओवरऑल यार ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी रहने वाली है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली है वो बहुत अच्छी होने वाली है। नाउ मूव करते हैं अपने फिफ्थ प्रोजेक्ट की तरफ। अब आपका जो लास्ट प्रोजेक्ट होने वाला है, आप कोई भी रेज्यूमे बिल्डर ऐप बना सकते हो या कोई फूड ऑर्डरिंग ऐप बना सकते हो, जैसे कि स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि जब मैं रेज्यूमे बिल्डर ऐप कह रही हूँ तो बेसिकली इसका क्या मतलब है। ओके, जरा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे डिटेल्स फिल कर रहे होते हो फॉर्म सॉर्ट ऑफ थिंग में, जैसे कि स्किल डाला, इंटरेस्ट डाला, एक्सपीरियंस डाला, प्रोजेक्ट डाला एंड एट द एंड आप देखोगे कि आपके पास एक ऑप्शन होगा जिसके थ्रू आप रेज्यूमे को डाउनलोड कर सकते हो एंड वो कुछ इस फॉर्मेट में दिख रहा होगा। देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे एक ऑप्शन है डाउनलोड रेज्यूमे। अब यार जब आप आगे जाओगे तो देखोगे रिज्यूमे डाउनलोड होके बेसिकली आपका कुछ इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि आप रिज्यूमे बिल्डर बना सकते हो। अब उसके लिए यार एक ये गिटहब लिंक है जो मैं आपके साथ, गिटहब रेपो है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप आके यहाँ से देख सकते हो कि ये क्या क्या लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं, क्या लॉजिक लगा रखा है और कैसे लिख रखा है। तो ये एक ऐप है रिज्यूमे बिल्डर ऐप जो कि आप बना सकते हो, ठीक है। अब सेकंड बात कर लेते हैं फूड ऑर्डरिंग ऐप की। तो यार यहाँ पे भी एक अच्छी रिसोर्स है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपका लामा डेव का एक रिसोर्स है फूड ऑर्डरिंग ऐप। आप एक बार ये देख सकते हो, यहाँ पे ये आपको पहले वॉक थ्रू करा रहे हैं कि इनका जो एप्लीकेशन है वो कैसा दिख रहा है, ओवरऑल लोकली इन्होंने डेवलप करके दिखाई है। अब यार आप जब थोड़ा आगे आओगे तो आप देखोगे कि आपको ये पूरा कोड वॉक थ्रू भी करा रहे हैं कि इन्होंने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। तो ये भी एक रिसोर्स का आप हेल्प ले सकते हो अगर आप फूड ऑर्डरिंग ऐप बना रहे हो। तो यार यही है लास्ट हमारा रेज्यूमे और फूड ऑर्डरिंग, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा बनाना है। एंड एज वेल एज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस और वीडियो आपने अभी तक देखी है तो मेक श्योर करो कि आप कमेंट में बताओ मुझे कि आई हैव वॉच द वीडियो टिल द एंड। ये मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इससे कि जो मैं वीडियोज आपके लिए बना रही हूँ वो आपको हेल्प कर रही है एंड सम हाउ यू आर एबल टू ग्रो इन योर करियर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।